नवरात्र 2017 वैष्णो देवी में मौसम हुआ खराब, हेलीकॉप्टर सेवा बंद। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकले जम्मू निकल चुके लोगों के लिए जरूरी सूचना है। मौसम खराब होने के चलते शनिवार को हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई है। यह जानकारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से दी गई है। हालांकि भक्त पैदल या घोड़े के जरिए वैष्णो देवी की गुफा तक पहुँच सकेंगे। श्राइन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि भक्तों की सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सेना के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर सेवा जल्द से जल्द बहाल की जाए। शारदीय नवरात्र 2017 होने के चलते इन दिनों देश भर से माता के भक्त जम्मू का रुख कर रहे हैं। माना जाता है कि नवरात्र के दौरान माँ वैष्णो देवी के दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है। मालूम हो कि इसी साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के किराए को कम कर दिया गया था। मंदिर का संचालन करने वाले बोर्ड ने हेलीकॉप्टर के किराए को कम करने का फैसला किया था। खास बातें वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए जरूरी खबर। वैष्णो देवी में मौसम हुआ खराब, हेलीकॉप्टर सेवा बाधित। तो घोड़े पर सवार होकर या पैदल माँ वैष्णो देवी के साथ जा सकते हैं। भक्त जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर से प्रति यात्री कटरा और सांझ छत के बीच का किराया 1077 रुपए कर सहित होगा, जबकि मौजूदा किराया प्रति यात्री के लिए 1170 रुपए है। माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कुमार साहू ने बताया कि मंदिर बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कटरा सांझ छत कटरा सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर किराए को 1 अप्रैल से कम करने का फैसला लिया है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा देने की कोशिश के हिस्से के तौर पर बोर्ड ने हेलीकॉप्टर किराए को कम करने सहित कई पहलें की हैं। कटरा सांझी छत और वापसी का हेलीकॉप्टर किराया पिछले 3 सालों में लगने वाले किराए से कम है। उन्होंने कहा कि दो सफल बोलीदाताओं ग्लोबल विक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड और हिमालयन हेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध दिया गया है। ये कंपनियां कटरा सांझ छत कटरा सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करेंगी। ये संचालक पिछले 3 वर्षों से श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करा रहे हैं।